दोस्तों लोकल इन्फो YTS में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको पटना का जहाँ सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है हाइट वाला, मैं वो एरिया दिखाऊंगा। यूँ कहूँ कि एक्वा सिटी, वेनिस एम्पायर, ये सब दिखाऊंगा कि कितनी ऊँची बिल्डिंग है, कहाँ तक काम पहुँचा है। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मुंडेश्वरी बिल्डर का ये बिल्डिंग बन रहा है। जो रोड देख रहे हैं ये सगुना मोड़ दानापुर 8 लेन रोड है, सीधे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दानापुर स्टेशन है। और इस तरफ जिस तरफ ये जो येलो वाला क्रेन देख रहे हैं तो इस तरफ सगुना मोड़ है। सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन से लेकर के और पटना मेट्रो इसी साइड है। ये इस रोड में भी 3 मीटर का मेट्रो के लिए जगह छोड़ी गई है और ये मुंडेश्वरी का बिल्डिंग बन रहा है। इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंग, आगे में ऑर्बिट मॉल है और भी कई सारे मॉल इस साइड में बन रहे हैं और कई सारी बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही हैं। इस तरफ ये व्हाइट वाला बिल्डिंग के भी बगल में एक ऊँची बिल्डिंग बन रही है। और अभी जो प्रेजेंट में है वो ये रास्ता है जहाँ से आप एक्वा सिटी साकार के पास जा सकते हैं इस रास्ते से। और वो देखिए वो सामने जो येलो कलर का क्रेन लगा हुआ देख रहे हैं तो वो भी एक काफ़ी हाइट पे बिल्डिंग बन रही है बहुत सारी। यूँ कहूँ कि ये एक तरीके से पटना का ग्रेटर पटना हो जाएगा, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा है उसी तरीके से ये ग्रेटर पटना हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जो खास खास बिल्डिंगें हैं वो दिखाऊँगा। और ये वही नाला है जो चाँद पर से भी, कभी मनीष कश्यप जी ने कहा था कि चाँद पर से भी इस नाला को देखिएगा क्योंकि नाला ऊपर रोड नीचे है। खैर फ्यूचर में बनाई जाएगी। ये एक गढ़ा जगह था लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतना स्पीड डेवलप हो जाएगा। ये काफ़ी कम समय में बहुत हाईएस्ट ग्रोथ है इसका। ये डूराटोन जो सीमेंट का ऐड देख रहे हैं आप, तो इसका फैक्ट्री है ताजपुर में। मैं कभी समस्तीपुर जाऊंगा अपडेट देने तो आपको दिखाऊंगा उसका अपडेट। और ये नीरज पांडे जी के द्वारा स्पेशल कहा गया है यहाँ का एक्वा सिटी का अपडेट देने के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक्वा सिटी का अपडेट दीजिए, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में जो है वो नीरज जी का ही नाम आता है। उन्होंने सबसे लास्ट में कहा था, मतलब अभी प्रेजेंट में। तो मैं स्पेशल सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पे भवानी विल्ला का भी देखिए अपार्टमेंट बन रहा है जो कि बुकिंग चालू है। अगर आप बुक करना चाहें तो सब तरह का यहाँ पे अपार्टमेंट का डिटेल दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या है, 2 एंड 3 बेड्स रूम सुपर डिलक्स फ्लैट सब कुछ है। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रेरा अप्रूव्ड है ये पूरा। इस तरीके से देखिए आप, मैं बारी बारी से इस तरफ की पूरी बिल्डिंगों का डेवलपमेंट दिखाऊँगा। बहुत कुछ यहाँ पर डेवलप हुआ है तो जहाँ जहाँ बोर्ड लगा हुआ होगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जरिए नहीं ले, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं कि आपको सही दिला सकता हूं। हमें खुद नॉलेज नहीं है इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा, बस एक अपडेट देना चाहता हूं कि आप उस तरीके से ले सकते हैं। हमें नॉलेज होता तो ज़रूर बताता। तो आप अपना देख ले, परख ले, समझ ले, उसके बाद ले रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या क्या चीज़ पास है, ये सब चीज़ आप ज़रूर देखें। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है सबसे अच्छा सबसे सस्ता फ्लैट खरीदे, तो देख सकते हैं आप कि अगर फ्लैट वगैरह खरीदना है तो सब कुछ यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ हर तरफ कि आप ले सकते हैं। ये सब पूरा अभी एरिया स्टार्ट ही हो रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं ये एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर एग्ज़ाम अक्सर एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है यहाँ पे। एक लगा हुआ है सनराइज रश्मि हाइट्स, तो देख सकते हैं आप लाइन से कई सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं पीछे में। तो आप प्रोजेक्ट ऑफ सनराइज साई डेवलपमेंट का है, तो मैं बारी बारी से सभी का दिखाऊँगा। देखिए इस तरीके से कई बन रहे हैं। जो पीछे में एग्ज़ाम सेंटर बताया आपको, संगम आईटी पॉइंट है, यहाँ पर 3 है, इस तरफ भी 2 और है। फिर साई इनक्लैब के भी नाम से जो बन रहा है, तो देखिए आप ये साई इनक्लैब है। तो जो भी है देखिए इसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, सब कुछ है डिटेल। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ले करके और बात कर सकते। देखिए इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, इनक्लैब का कुछ डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ है। आप जूम कीजिएगा तो हो जाएगा वीडियो पॉज कर करके। तो अभी बहुत सारे अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे हैं देख सकते हैं आप। लाइन से अभी बहुत कुछ बनना बाकी है लेकिन रोड जो है वो यही है, ये मैं जानता हूँ। और रोड कहाँ से निकलेगा ये आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया में है ये। और दिखाता हूँ बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग आपको। इस तरफ जो देख रहे हैं ये पूरा, तो ये त्रिभुवन सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस तरफ में ये जो मेरा हाथ है इस साइड, त्रिभुवन स्कूल है। इस तरफ महंगे महंगे स्कूल है, त्रिभुवन है, गोइनका है, फिर संत कैरेंस है, ग्लोबल है, मतलब इस साइड जिस साइड कैमरा नहीं है ये पूरा एरिया में बता रहा हूँ इस साइड भी। और एक है गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल करके, उसका भी नाम मैं बताऊँगा। तो वो भी जो है कि खुलने वाला बहुत जल्द, बहुत जल्द से मतलब है कि 1 से 2 महीने में। ये त्रिभुवन सिटी का देख सकते हैं आप, तो अभी पूरा और बनना बाकी है, पूरा त्रिभुवन सिटी देखिए आप। तो इस तरफ से पूरा त्रिभुवन सिटी है, अभी बनना बहुत कुछ बाकी है। इस तरफ पूरा एरिया खाली है। चलिए अब इस तरफ कुछ दिखाता हूँ। दूर आगे चलने के बाद देखिए लाइन से कितने सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। अभी पैराडाइज है, वेनस है, एक्वा सिटी है साकार का, तो बहुत सारे अभी बिल्डिंग बाकी है। मैं पूरा गोल गोल घूम करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी और बड़ी भी हो सकती है, लगभग 20 मिनट का मैं कोशिश करूँगा कंप्रेस करके करने का। हीरा पन्ना का इंफ्रा प्रोजेक्ट है,
तो उसका भी बोर्ड लग चुका है। तो मतलब बड़ी बड़ी जो भी बिल्डर्स है या सोने का ये हीरा पटना ज्वेलर्स का दुकान है पटना के नगमल्ला चौराहा पे, तो वो भी अपना यहाँ पर न्यू डाल चुके हैं। इट्स वेरी ट्राइडेंट अपार्टमेंट, और इस तरीके से दुकानें भी आप ले सकते हैं। देखिए मॉल वगैरह या फिर शॉप वगैरह के लिए देखिए अपार्टमेंट हिसाब से बना कि आप दुकान भी आकर के खोल सकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं दत्त त्रिभुवन स्कूल, सबसे पहले यही स्कूल बना था हमें याद है। ये मैं 2010-12 की बात बता रहा हूँ, उससे पहले ही बना होगा लेकिन 10-12 अप्रोक्स मैं बता सकता हूँ। तो ये पूरा बड़ा एरिया में स्कूल है और ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। मैं इसके अंदर गया था तो ये एकदम चकाचक स्कूल था। तो इस तरीके से इस लाइन में बहुत सारी स्कूलें हैं। तो त्रिभुवन स्कूल को तो मैं अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि शिक्षा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा है, अच्छे अच्छे स्कूल है। यहाँ से स्टार्ट होता है साकार का गुलमोहर, और ये लाइट में पता नहीं चला शायद ग्रीन्स लिखा हुआ है। तो ये साकार का ये पहली बिल्डिंग है। इस तरह भी ये भी, ये जो देख रहे हैं ये भी साकार का है। ये सब बनना था, ये जो देख रहे हैं आप ब्लू वाला, ब्लू एंड वाइट में वो, और ये जब त्रिभुवन स्कूल बन रहा था तब ये बन रहा था, और वो उस तरफ जो वो शायद वेनस पैराडाइज है सामने जो देख रहे हैं आप। तो लाइट रहता तो बहुत बेहतरीन वीडियो आती। तो इसी के जस्ट पीछे हो गया आपका द त्रिभुवन स्कूल, और ये हो गया गुलमोहर ग्रीन्स साकार ड्रीम मेट्रो, और इस तरफ हो गया वेनस पैराडाइज। और इसके पीछे जो है कि बहुत सारी अपार्टमेंट है, हाईएस्ट मतलब 20 तल्ला 18 तल्ला तक का, और फिर है एक्वा सिटी। तरफ में लग्जरी लिविंग जो है कि वेनस स्टार बिल्डिंग का भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ कि ये ऐसा बन रहा है, और ये एक ऐसा बना। अच्छी धूप होती ना, मौसम साफ़ होता तो बहुत बेहतरीन इसकी वीडियो आती, लेकिन मैं कंटिन्यू इसका अपडेट करूँगा। और सामने उस तरफ जो है वो है वेनस एम्पायर, तो उसको भी ये एंटी लाइट हो रहा है, मैं पीछे से उसको चल करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस एरिया को डेवलप किया गया है बिल्डर के द्वारा। अभी गवर्नमेंट के द्वारा इन सब एरिया को डेवलप करना बाकी है, रास्ता है कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। तो सामने जो ऑरेंज और वाइट में देख रहे हैं वही गोविंदा स्कूल है, वो पूरा स्कूल का भी मैं नाम चल कर बताऊँगा। और ये बिल्डिंग का नाम शायद ऑर्चिड करके कुछ था ये वाला का, और ये वाला तो मैं बताया आपको वेनस पैराडाइज है। तो इस तरीके से कई सारे फ्लोर के कई सारे अपार्टमेंट हैं। सामने दिख रहा है एक्वा सिटी का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग, लगभग 22 फ्लोर का है वो, एकदम धुंध में देखिए। तो उसके पास तो थोड़ा सा लेट में चलूँगा क्योंकि वो काफ़ी दूर है, लेकिन पहले मैं चलूँगा इसको दिखाऊँगा इस साइड। फिर से देखिए इस स्कूल को जो कि एक बेहतर हब बनेगा नॉलेज के मामले में। और इस तरफ एक स्कूल और है होली मिशन करके कोई वाला है, यहाँ पर एक स्कूल शायद यही वाला है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा है। ये भी एक स्कूल ही है होली मिशन करके कुछ है। ये जो देख रहे हैं आप ये वाला बिल्डिंग और ये वाइट वाला बिल्डिंग, तो इस तरीके से। और ये है गोविंदा का, और उस तरफ है वेनस एम्पायर। तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। इस पर कलर चढ़ रहा है, लेकिन जब ये बन रहा था तब भी मैं इसका अपडेट दिया था। ये इसका मैं थर्ड टाइम अपडेट दे रहा हूँ, पहले मालूम नहीं था कि ये स्कूल खुलने वाला है, लेकिन अब मालूम चल गया क्योंकि इसकी एड बहुत सारी जगहों पर मैं देखा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। गोविंदा करके कुछ है नाम, तो ऐसे तो गोविंदा कंस्ट्रक्शन का गाड़ी लगा हुआ है। और तो चलिए देखता हूँ क्लोज चल करके। तो ये यहाँ पर गेट बन चुका है गोविंदा कंस्ट्रक्शन का, तो अभी स्कूल का नाम नहीं ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दूर से ऐसा स्कूल दिखता है। लेकिन ये कंफर्म है कि ये स्कूल ही है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार गोविंदा स्कूल। देखिए कहीं, और जब ओपनिंग होगा तो मैं कन्फर्म हूँ कि सब रोड को बना दिया जाएगा, काफ़ी चौड़ा रोड लिया गया है इस तरफ से, और दूर से कुछ ऐसा है। उस तरफ है एक्वा सिटी, एक्वा सिटी के लिए हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो चलिए पहले मैं इस तरफ दिखाता हूँ, मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो है ये इसी बिल्डिंग का है, ये जो बन रहा सामने देखिए इस तरीके से ये बन रहा है, काफ़ी हाइट वाला। लेकिन इसका नाम, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप इसका नाम वेनस स्टार है, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड में लिखा हुआ वेनस एम्पायर, हालांकि ये लग रहा है कि ऐसा ही। देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको अपडेट, तो गलत सही हो सकता है, ये मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिए इतनी ये हाइट वाली बिल्डिंग है जो बिहार में बन रही है, और इस तरफ तो धुंध में जो दिख रहा है वो सबसे हाइट वाली ये है एक्वा सिटी जो सबसे हाइट वाली है। लेकिन इसका भी कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह है, देखिए आप लाइन से इस तरह भी बनना, मतलब पूरे एरिया में बनना, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन जो मेन है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप वसुधा का भी यहाँ बोर्ड लग गया इंफ्रा डेवलपमेंट, तो 18 से 20 माले का होगा क्योंकि मैं गिना तो मैं 3 बार गिना, लेकिन मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ, मतलब एक जैसा इसलिए पता नहीं चल पा रहा। तो
तो खैर, लेकिन जो एक्वा सिटी है उस पर तो 22 माला लिखा हुआ है। चलिए कुछ अब मैं एक्वा सिटी का झलक आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, कभी मौका मिला तो मैं इस लग्जरियस अपार्टमेंट का आपको अपडेट दिखाऊंगा। आप घबराइए नहीं, मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि कोई ना कोई तो हमें कॉन्टेक्ट करेंगे ही। अगर आप लोग की वजह से हमें हाईएस्ट रैंक मिला यूट्यूब पे, तो मैं ज़रूर अपडेट दिखाऊंगा आप लोगों को, बीच लाऊंगा इसका अंदर का व्यू। बिल्डिंग के साथ कुछ स्कूल का भी झलक देखिए आप। जो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये स्काई वॉल का के नाम है। ये भी 17-18 फ्लोर का बनने वाला है। तो इसका एरिया कितना है सब तो टाइम टू टाइम ही मैं बता पाऊँगा, लेकिन मौसम धुंध होने की वजह से आज मेरी मेहनत उतनी रंग नहीं लाएगी। और हर महीने इस रूट में बहुत कुछ चेंजिंग होता चला जा रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ होता ही चला जा रहा है। जो स्काई वॉक है वो उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर स्काई वॉक का प्रोजेक्ट नेम है GBN स्काई वॉक, बिल्डर नेम है गृह भूमि निर्माण प्राइवेट लिमिटेड निर्माण है, और होम जो दिया होम लोन वो SBI है। यहाँ पर जो बिल्डिंग होगी वो इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। 3 साइड ओपन फ्लैट है। चलिए अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। सामने जो धुंध में दिख रहा है वो है एक्वा सिटी। तो चलिए उसके मैं क्लोज चलूँगा और दिखाऊँगा। इस तरफ बहुत सारी अभी बनना बाकी है, इस तरफ पूरा प्लॉट जो लिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बनेगा मैं दिखाऊंगा। मेन तो अभी पिक्चर अभी बाकी है, चलिए आगे दिखाता हूँ। चलिए कुछ नज़दीक तो आ चुका हूँ, इस पर कलर भी चल चुका है। आकार का एक्वा सिटी है, ये 22 प्लस माले का है, ये जो हाइट वाला है। बाकी सभी 11-12 या 13 फ्लोर का होगा। गिनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार। कंटिन्यू चलते चलते मैं काफ़ी क्लोज आ गया अपनी बिहार की शान कही जाने वाली एक्वा सिटी का हाइएस्ट बिल्डिंग। साकार का मेन है एक्वा सिटी, जो कि कई सारे बिल्डिंग लाइन से खड़े हैं, देख सकते हैं आप। पेंटिंग वगैरह सब की जा रही है, ग्रे कलर की पेंटिंग है और इसमें अभी वाइट कलर का चल रहा है। तो एक अच्छी तस्वीर है, मुझे ही मज़ा आ रहा है। भले ही मैं कुछ दूर चला, लगभग 2 किलोमीटर तक, लेकिन मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। और बाइक से तो 2 मिनट में सब वीडियो बन जाएगा। तो खैर, जो भी हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से एक्वा सिटी। और ये कितने 100 करोड़ का है ये तो आइडिया नहीं, लेकिन इसमें 3 BHK 4 BHK सारी तरह की फैसिलिटी है। और मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको इसका एक ड्रोन शॉट दिखाने का, जो कि इन्हीं का वीडियो है। अब मैं एकदम क्लोज आ गया हूँ, देखिए ये। और ज़्यादा क्लोज जाऊँगा तो फिर हमको, और ये कलर भी इसकी धीरे धीरे पाइप वगैरह सब कुछ लगने लगा है इसमें ड्रेनेज के लिए। देख सकते हैं आप, बगल में पाइप भी लगने लगा है। तो अभी कलर इस पर नहीं चढ़ा है, ये कोई और कंपनी का है, मतलब बिल्डर का है, और इस साइड कोई और बिल्डर का है। लेकिन फिर भी मैं ड्रोन फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इन्हीं में से किन्हीं का, एज सुन एज पॉसिबल। और इस तरफ का पूरा ये ढाला हुआ है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस साइड वाला, ये ढाला हुआ है। इस तरफ है ब्रिक्स का है, ये सबसे हाइट वाली बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग जो है कि सीक्वेंस में है, ये सब जो देख रहे हैं आप, मतलब ये वाला ये 13 तल्ले का है, बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन इस पर 13 लिखा हुआ है, और अभी ये हाइट वाला बाकी है बताना। तो ये प्रोजेक्ट का शायद एड्रेस है, देखिए आप। तो आप कॉन्टेक्ट नंबर इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये जो है ये 19 तल्ला तक तो लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर 2 बाकी है, और इसके नीचे भी है, और कलर भी चढ़ने लगा है। ये कलर तो पता नहीं, लेकिन मट्टी कलर का है, कलर इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं। तो पूरा 19 फ्लोर तक लिखा हुआ, उसके ऊपर भी 2 बाकी है, हालांकि वो फ्लोर नहीं है, ऊपर का रूफ है, और फिर नीचे में भी 2 है एक के अलावा जो सामने देख रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर छोड़ करके जो है कि ये टोटल 19 फ्लोर है, फिर ऊपर में 2 फ्लोर छोड़ करके। तो खैर, जो भी हो, तो मैं अपडेट दिखा रहा हूँ कि अब पेंटिंग वगैरह भी चलने लगा, और अंदर में हो सकता है कि सारी काम हो रही होंगी, क्योंकि इस साइड से सब पे तो पेंटिंग वगैरह
चढ़ रहा है, चढ़ चुका है, चढ़ा क्या ड्रेनेज पानी वगैरह का भी निकलने के लिए सब कुछ व्यवस्था की गई, अंदर के बारे में तो नहीं मालूम है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बदलाव देख सकते हैं आप एकदम कंटिन्यू। और अभी भी बहुत कुछ बनना बाकी है क्योंकि बहुत सारी जगह अभी इनका खाली है, तो पार्किंग वगैरह हो सकता है या फिर पार्क हो सकता है, जिम हो सकता है। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। मैं आपको पूरा सिटी घुमाने की कोशिश किया, तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत अच्छी धूप होती तो वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मैं फिर भी बता दूं कि ये सब एरिया में बिल्डिंग बनने वाला है, इस रोड के उस तरफ भी पाटिल ग्राम करके है, इस तरफ भी मशीनें लगी हुई हैं, और ये तो साकार का एक्वा सिटी मैं दिखाया ही आप लोगों को। तो इस तरफ पूरे एरिया में काफ़ी हाईएस्ट बिल्डिंग बनने वाली है। लास्ट ये इन वीडियो में लास्ट क्लिप जोड़ दिया मैंने।